हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के सबसे निकटतम पहुंचने वाला मिशन पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2018 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये अभी पार्कर सोलर प्रोब जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम सूर्य के सबसे निकट में पहुंची है पार्कर सोलर प्रोब, और ये 12 अगस्त 2018 को ही लॉन्च की गई है। तो ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी नासा के द्वारा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? तो वाशिंगटन DC में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो इंडिया गेट है वो कहाँ पे है। तो ये है दिल्ली में। इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है, ये सभी को पता होता है। लेकिन ये इंडिया गेट जो है ये किसकी याद में बनाया गया है? ये वर्ल्ड वॉर 1 में जितने सारे सैनिक हमारे मारे गए और थर्ड एंग्लो अफगान, या फिर डायरेक्ट कहिए अफगान वार में जो मारे गए थे 1919 में जो हुआ था थर्ड एंग्लो अफगान वार, उसमें जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी याद में बनाए गए हैं ये इंडिया गेट इंडिया में। और ये लिटिल इंडिया गेट जो है ये किस देश में बनाया गया है? 27 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन किया गया है इंडोनेशिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के द्वारा किस वर्ष केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था जिसका ईंधन हाल ही में ख़त्म हो गया और ये टेलीस्कोप भी बर्बाद हो गया? तो ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2009 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2018 को भारत की इंडाइजिनस मीन्स स्वदेशी विकसित परमाणु Agni-1 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, उड़ीसा से किया गया इसका परीक्षण। तो इसकी मारक क्षमता जो है वो कितने किलोमीटर की है? इसकी मारक क्षमता है कितने किलोमीटर की? इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर की, और ये 1000 किलो तक पेलोड ढो सकता है। 1000 किलो तक पेलोड ढो सकता है और इसे उड़ीसा से लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, और आपको यहाँ पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और इसी दिन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। और प्रतिमा की लंबाई कितने मीटर की है? ये विश्व की अभी सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, विश्व की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू। तो इसकी हाइट जो है वो है 182 मीटर। इससे पहले कौन सी थी सबसे बड़ी स्टैच्यू? तो स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल, ये चाइना में थी और 128 मीटर इसकी हाइट थी। फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है इसकी हाइट कितनी है? तो 93 मीटर, और ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद 30 अक्टूबर 2018 को कौन सा जहाज अपनी नौसेना बेस कोच्ची में लौट गया? तो 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद ये 15 पोर्ट और 13 कंट्री से गुजरा। 15 पोर्ट 13 कंट्री, या जैसे कि अरेबियन सी से गुजरा, फिर उसके बाद अगर सी की बात करें मेडिटेरेनियन सी से गुजरा, रेड सी, स्वेज कैनाल, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये सब ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं आप। और इस जहाज़ का क्या नाम था? इस जहाज़ का नाम था INS तरंगनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया? तो गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क ये खोला गया सूरत में, हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के द्वारा, जिनका की नाम है हरसिमरत कौर बादल। और पहला जो मेगा फूड पार्क खोला गया था ये खोला गया था महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के द्वारा किस वर्ष इस्तीफा देने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल अभी हैं जर्मन की चांसलर, और इनके द्वारा कहा गया है कि ये इस्तीफा दे देंगी 2021 में। और आपको देखिए इसका आंसर भी मिल जाएगा, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया हुआ है। और इसका PDF आपको 8 से 9 बजे के बीच में आपको दे दिया जाएगा आंसर के साथ। इसका आंसर क्या होगा? 2021।
और जर्मनी में चांसलर का पद सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, प्रसून जोशी, अनुपम खेर, पहलाज निहलानी या फिर जावेद अख्तर। तो इसका सही आंसर होगा अनुपम खेर। अनुपम खेर FTII के चेयरमैन थे लेकिन इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अब प्रसून जोशी किस चीज़ के चेयरमैन हैं? प्रसून जोशी हैं CBFC के चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाता है CBFC के द्वारा, यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कि किस विश्वविद्यालय द्वारा मलाला यूसुफजई को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 दिसंबर को ग्लिट्समैन प्राइज दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये इतना ध्यान रखिएगा, इसमें $125,000 का प्राइज भी दिया जाएगा मलाला यूसुफजई को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2014 में मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। संयुक्त रूप से कहने का मतलब मलाला यूसुफजई को और इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी को, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर अस्थाई एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? वैसे ये एयरपोर्ट यहाँ पे अंटार्कटिका में साउथ पोल पे बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसका अप्रॉक्स 99% जो एरिया है वो बर्फ़ से ही ढका रहता है। 99% एरिया हमेशा बर्फ़ से ही ढका रहता है, लेकिन ये बनाए जाने की घोषणा की गई है चीन के द्वारा। वैसे चीन अब कुछ भी कर सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। चलिए, तो ये है हमारी वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।